इनको मैंने अपना चैनल बताया तो उन्होंने कहा कि हमारा भी वीडियो बना लो और चैनल पे डालना, हम जरूर देखेंगे। What you want to say my audience? Hi, Abdullah's followers. What's your name? Tolgane. Sorry? Tolgane. Kokolen. Tolgane. Tolgane. Okay, thank you. हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह में निकले हैं, ये आप देख सकते हैं सुबह में कुछ इस तरह का नज़ारा है। सुबह क्या लगभग 11:30 बज चुके हैं। तो आज प्लानिंग है ज़ेंको कैथेड्रल, जो चर्च है एक, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो पूरा लकड़ी से बना हुआ है लेकिन उसमें एक भी कील का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो आज हम वहाँ पर जाने वाले हैं, तो चलिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और वो हमारे हॉस्टल से करीब 1.5-2 किलोमीटर के आसपास है, तो देखते हैं अगर भाई लोग प्लान करते हैं तो पैदल ही चलते हैं या तो फिर टैक्सी बुक करते हैं। 600-700 टेंगे कुछ दिखा रहा है ये इंडेक्स ऐप पे, तो फिर मैं आप लोगों को चल के वहाँ का दिखाता हूँ कि कैसा वो चर्च है और क्या हिसाब किताब है वहाँ का। और ये यहाँ पर देख सकते हैं बस स्टेशन है, यहाँ पर बस आती है। और यहाँ पे ड्राइविंग की बात करें तो राइट साइड है ड्राइविंग, ये देख सकते हैं आप। ये कल स्नो हुई थी रात को बहुत ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा पानी जैसा हो गया है, जो बर्फ़ गल जाती है, थोड़ा कीचड़ जैसा लग रहा है लेकिन ये कीचड़ नहीं, ये बर्फ़ है। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप, ये सामने स्टारबक्स है और ठीक इसके पीछे हमारा हॉस्टल है। और जो आप देख रहे हैं सामने बोर्ड, उसके पीछे ही हमारा हॉस्टल है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को वहाँ पे लेके चलता हूँ, फिर आगे का सीन दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा था वहीं पे स्टारबक्स है, और वो भाई लोग को कॉफ़ी पीना था तो अंदर गए हैं लेने। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर कितने की कॉफ़ी मिल रही है यहाँ पर। पैर बहुत स्लिप करते हैं यहाँ पर, तो आप कभी भी आना तो बहुत संभाल के आना। तो ये इस तरह का कुछ अंदर से स्ट्रक्चर है स्टारबक्स का, यहाँ पे सब स्टारबक्स के केक आइटम और बेवरेज वगैरह रखे हुए हैं। कितने की पड़ी भाई कॉफ़ी? 250 इंडियन रुपीस। एक के दोनों? ये अलग दोनों ना? दोनों नहीं, तो 500 का दोनों। अच्छा 500 का दोनों, मतलब वही जो इंडिया में 250-300 रेट चलता है वही यहाँ पे भी है। टेस्ट पसंद नहीं आया भाई? देखो ऐसा है कि इनको समझाना मुश्किल हो जाता है कि भाई हमें कॉफ़ी कैसी चाहिए, और हम किसी पे क्लिक करेंगे ये कुछ और दे देते रहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, लैंग्वेज बैरियर इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस कंट्री। सो देखो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस है, बहुत कोऑपरेटिव है। मैं आपको बताता हूँ, देखो हमने खुद सेलेक्ट किया था कि भाई ये वाली दे दो, हमें ये लगा जो सस्ता है यार वही ले लो थोड़ा सा। इन्होंने एक ब्लैक कॉफ़ी दे दिया, पानी और कॉफ़ी मिक्स करके बिना किसी शुगर के। तो हमने इनको कहा बिना दूध के सिर्फ पानी, गर्म पानी और कॉफ़ी डाल के मिक्स करके दे दिया, जो हम लोग एज अ प्री वर्कआउट जिम में यूज़ करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि मैंने इनको बोला यार ऐड सम मिल्क, तो इन्होंने मिल्क ऐड कर दिया। पहले मैंने एक में करवाया, फिर मैंने दूसरे में बोला, दूसरे में जब मैंने करवाया तो वो थोड़ा सा चिढ़ गया, वो बोला कि नेक्स्ट टाइम मुझे सोच समझ के बताना। मेकिंग वीडियो नो प्रॉब्लम। ओके, व्हाट्स योर नेम? सॉरी, कोकोलेन तो तोलगेने। ओके थैंक यू। तो दोस्तों अभी चलते हैं ज़ेंकोव जो चर्च है वहाँ पे चलते हैं, फिर मैं आप लोगों को वहाँ पे दिखाता हूँ, रास्ते में आपको लेके चलता हूँ मैं उसके। और देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा है रास्ते का। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं कैथेड्रल चर्च ज़ेंकोव, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखने वाला है वहाँ पर। और साथ ही साथ आओ कम रास्ता था लेकिन ये रास्ता बंद है। हाँ बस दिखा दो उसमें। हाँ दिखाओ, एक शॉर्टकट ये भी रास्ता है लेकिन ये फिलहाल स्नो की वजह से बंद हुआ है, तो अभी हम यहाँ सीधा जाएंगे। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट टैक्सी इंडेक्स से बुक करके आप वहाँ से भी जा सकते हैं इजीली। हम लोग भी पैदल ही गए थे ये बहुत, हाँ ये सच में ये वही रास्ता है, हम भी इसी रास्ते से गए थे लेकिन बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। खूबसूरती देखो भाई, खूबसूरती आप देख सकते हैं यहाँ से।
बहुत ही जबरदस्त साफ किया गया है, सब सुबह में आके साफ किए भाई। हाँ बिल्कुल, ये सब जो है आप देख रहे हैं जो रास्ता, ये सुबह में साफ करते हैं आके, वो ट्रैक्टर में कुछ झाड़ू जैसा रहता है उनका रोलर, और उसे आप देख सकते हैं साफ सफाई बहुत ज्यादा है यहाँ पे। इंडिया में इतनी साफ सफाई नहीं रखते। हाँ, इंडिया में तो इतनी साफ सफाई नहीं है, कुछ सिटी में है, अपना इंडिया भी बुरा नहीं है बिल्कुल। हाँ, लेकिन कुछ सिटी में उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर जगह पे साफ सफाई है। नहीं, वहाँ के लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। यहाँ की ज्यादातर जगहों में आपको साफ सफाई देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये भी यूरोपियन कंट्री जैसा ही है, रशिया जैसे डेवलप है, ये भी एक उसी का पार्ट था। ये सारे जो 9-10 देश अलग हुए हैं रसिया से, ये सब सोवियत यूनियन में आते थे, तो उसमें कजाकिस्तान भी था, और ये 1991 में ये अलग हुआ है, आज़ाद हुआ है, और यूक्रेन भी इसका हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसने जो सोवियत यूनियन का था उसने कुछ रूल तोड़ा था, इसलिए उसको सोवियत यूनियन से शायद बाहर कर दिया है। और ये आप देख सकते किसने हैं तोड़ा था, यूक्रेन ने। हाँ, यूक्रेन ने बिल्कुल नहीं, उनका ये क्या नाम है। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं चर्च के पास, ज़ेंकोवे कैथेड्रल, जो चर्च बताया था मैंने आपको, और इसके चारों तरफ जो है पूरा पार्क है, ये आप देख सकते हैं। और ये चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये है, और यहाँ पे पूरा बर्फ बर्फ गिरा हुआ है, मैं बताता हूँ अभी। और यहाँ पे देखते हैं कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, आई थिंक रशियन या कजाक में ही होगा। यही वो चर्च है जिसके बारे में बता रहा था आपको, कि इसमें एक भी कील का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ पे तो पता नहीं, शायद रशियन में लिखा है पूरा। और चलिए यहाँ पे चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, कबूतर बहुत हैं यहाँ पे। ये भी एक अल्माटी का टूरिस्ट अट्रैक्शन है, अगर आप आना चाहें तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। और उस तरफ आई थिंक बच्चों का कुछ पार्क वगैरह जैसा है, चलिए वहाँ पे भी चल के देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंड है दोस्तों। How much? 2000 टेंगे। Oh, very expensive. 2000 टेंगे, यानी कि लगभग 400-500 के आसपास, 500 के आसपास। ये इसके अंदर भी पूरा कबूतर, इसके अंदर शायद स्केटिंग करते हैं बच्चे लोग। और ये कबूतर, घोड़े भी है, बग्गी भी है, छोटे नस्ल के भी घोड़े हैं यहाँ पे। और ये बच्चों के लिए कुछ सामान दिख रहा है, और ये दाना है यहाँ पे, कबूतर को खिलाने के लिए दाना है, आप खरीद के खिला सकते हैं। तो इस तरह का कुछ यहाँ का हिसाब किताब है, ये कबूतर को दाना डाल रहे हैं, और जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं भाई साहब, वहाँ वहाँ पीछे पीछे सारी कबूतर उड़ के जा रही है। ये देखिए, बनाओ बनाओ मेरी तरफ कर।
आके कबूतर सब हाथ पे बैठ जाती है यहाँ पे, बिल्कुल भी उनको डर नहीं लगता है। ये देखिए ये भाई साहब के हाथ पे आके बैठ गई कबूतर। बिल्कुल भी डर नहीं है इनको, एकदम फ्रेंडली। हाँ, इंडिया में ही है यहाँ। जहाँ जहाँ भाई साहब दाना का लेके जा रहे हैं थैली, वहाँ वहाँ पीछे पीछे सब भाग रही है कबूतर। और लोग यहाँ के बड़े फ्रेंडली हैं, बड़े हेल्पफुल लोग हैं, इस तरह का कुछ हिसाब किताब है यहाँ का। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को चर्च के अंदर लेके चलता हूँ अभी, और चलिए यहाँ से चलते हैं। पैर आपको साफ कर लेने हैं। कैमरा अलाउड दिस, ओके दिस, ओके ओके। मैं अंदर आ रहा था तो उन्होंने बोला कि टोपी आपको उतार लेना है, और इस तरह का कुछ यहाँ पे है चर्च के अंदर। ये देख सकते हैं, ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है। और तो इसके अंदर कुछ है नहीं, तस्वीरें हैं अलग अलग टाइम की, शायद इनके जो धर्म गुरु होंगे। और यहाँ पे मदर मेरी, तो चलिए इसके अंदर से चलते हैं अब। तो बस यही है चर्च के अंदर, लोग अपना प्रेयर करने आते हैं, और आज संडे है तो इस वजह से और भी ज़्यादा लोग हैं। और चलिए बाहर चलते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को चर्च के अंदर भी दिखा दिया, और यहाँ की जो लोकेशन है वो मैं डाल दूंगा। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप लोकेशन में सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप कमेंट में पूछ लेना, और मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू। हेलो प्रिवियत, हेलो हेलो, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज बोसा। बोसा? बोर्शा। बोर्शा, डर तुमसे डर।